तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री फायर मैक्स के ओपनिंग प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। यानी कि अगर आप फ्री फायर मैक्स को अभी के टाइम में ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के टाइम हो सकता है वहां पर नेटवर्क कनेक्शन एरर आ जाए या फिर डाउनलोड फेल रेट रहा है या फिर बहुत से डिवाइस में लॉग इन का भी इश्यू होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि जितने भी अलग अलग टाइप के ओपन से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं उन सभी के सभी प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही सोल्यूशन से। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और यही बताऊंगा कि जितने भी अलग अलग टाइप के फ्री फायर में एरर होता है, चाहे कोई भी एरर हो, चाहे लोडिंग से रिलेटेड हो या मतलब गेम ओपन नहीं हो रहा, अटक जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, गेम ओपन मतलब ओपन नहीं हो रहा, तो ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों होता है और सॉल्व कैसे होता है, ये तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, 100% इस वीडियो को लास्ट तक देखने में आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और भी ऐसे फ्री फायर मैक्स के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो अभी हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में ओपन करने के समय जितने भी अलग अलग टाइप से एरर आते हैं जिसकी वजह से हमारा गेम चालू नहीं होता, ओपन नहीं होता, खुलता नहीं, तो ये क्यों आते हैं, ये एरर्स आखिर होते क्यों हैं, किसके वजह से आते हैं। तो ये जो एरर्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये आपके फ़ोन के वजह से आ रहा है, मतलब सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है आपके फ़ोन के वजह से, और ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम छोटा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी होता है और फिक्स मुझे भी करना पड़ता है इसको। और दूसरा इसका हो सकता है नेटवर्क से प्रॉब्लम, यानी कि फ्री फायर का जो ऑफिशियल सर्वर है उन्हीं का जो साइट वाइट जो भी है तो उनके सर्वर में ही प्रॉब्लम होता है, उनका डेटाबेस में ही जो मतलब यहाँ से जो ना कनेक्शन जुड़ा रहता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि ओबी का जब अपडेट आता है और अपडेट आ जाने के बाद बहुत से फोन में गेम ओपन नहीं होता, बहुत से फोन में हो जाता है। जैसे कि आप समझ लो कि आप आइडिया का सिम यूज करते हो, मैं जियो का सिम यूज करता हूं, और जैसे गेम अपडेट होता है उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आइडिया के सिम में चल जाता है तुरंत, लेकिन जियो वाले में थोड़ा लेट से चलता है। तो ऐसे होते हैं, अगर आप कोई दूसरा सिम यूज कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा दूसरा कर रहा है, तो दोनों में एक साथ प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है, मतलब सबके साथ एक साथ प्रॉब्लम नहीं होता, किसी के साथ कभी होगा तो किसी के साथ कभी होता है। तो अभी आपको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा, चलो अभी हम जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इन सभी एरर को आप एक ही सॉल्यूशन से कैसे फिक्स कर सकते हो, और ये जो सॉल्यूशन है ना 100% वर्क करेगा चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे तो अपना डेटा खत्म कर ली रहते हैं या फिर उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता और वो गेम को चलाते हैं तो गेम में प्रॉब्लम होता ही है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपने फोन का नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए आप चाहो तो यूट्यूब में कोई वीडियो चला के देख सकते हो या फिर ब्राउजर वगैरह में कुछ फोटो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जो आपकी मर्जी। आपको एक सही से इंटरनेट की स्पीड का पता करना है, कम से कम 100 KB 150 KB इतना स्पीड देना चाहिए तभी गेम चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 KB स्पीड देगा उतने में गेम आपका चल जाएगा, वो गेम मतलब चलेगा तो थोड़ा सा बीच में रुक जाता है, नेटवर्क कनेक्शन एरर आएगा, कुछ और आएगा। तो कम से कम 100 से 150 KB आपका फोन जो है इंटरनेट चलाना चाहिए, स्पीड देना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। अब जैसे कि आपने चेक कर लिया आपका फोन में इंटरनेट अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप वीडियो आगे देखो। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर आप पहले देखो कि आपके फोन में इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, यूट्यूब पर सर्च करो, हो सकता है डेटा खत्म हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके फोन में सिम कार्ड ही ना लगा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपके फोन का जो डेटा है रोज रोज आने वाला 1 GB 2 GB वो भी खत्म हो गया हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो आप उनको चेक करो, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम जानते हैं, जैसे आपने चेक कर लिया कि आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है और ये गेम का ही कुछ प्रॉब्लम है ऐसा आपको लग रहा है, तब आपको क्या करना है। तो अभी आपको आ जाना अपने फोन के होम स्क्रीन पर जहां पर सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं। अभी आपको मैं कंप्यूटर बताने वाला हूं एमुलेटर पे, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एंड्रॉयड ही होता है, तो ये बिल्कुल मोबाइल है, बस आप वीडियो को देखो सब समझ में आ जाएगा। तो आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आना है, वहां पर फ्री फायर मैक्स जो भी आपको मिल रहा है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, ऐसे मतलब लंबे समय तक छू के रखना, टच करके रखना। फिर यहाँ पर आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, इसमें आपको आना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फोर स्टॉप का ऑप्शन। तो ये फोर स्टॉप मैं पहले ही कर लिया हूँ तो नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपको फोर स्टॉप करना है। एंड उसके बाद स्टोरेज में आके क्लियर कैच करना है, ठीक है, ये दोनों काम आपको करना है, फोर स्टॉप और क्लियर कैच। उसके बाद आपको गेम को ओपन करना है। बहुत से लोगों का तो ये प्रॉब्लम मतलब इसी सॉल्यूशन से ही फिक्स हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा इसके लिए करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करने नहीं पड़ेगी, आराम से आप इसमें इसी से ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों का सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ही तो है नहीं, सब अलग अलग एरर होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन लगभग ऐसा ही है, मतलब सिंपल है।
तो आपको सबसे पहले ये करके देखना है। एंड उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता तो आपको मैं एक और छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको अपने फ़ोन को बंद करके चालू करना है, यानी कि रीस्टार्ट करना है। चाहो तो रिबूट भी कर सकते हो, वही है, एक ही बात है। इसके लिए फ़ोन का जो पावर बटन होता है उसको लॉन्ग प्रेस करना, रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो ये सब आप कर लेना, एक बार बंद करके चालू करना और उसके बाद गेम ओपन करके देखना। अगर इतने में सॉल्व नहीं होता तब आपको मैं एक लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो फ्री फायर का फिक्स हो ही जाता है। बस आप जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको सही से फॉलो करो, नहीं तो यार बोलोगे कि ट्रिक काम नहीं कर रहा है, आपने सही से वीडियो नहीं देखा होगा इसी वजह से काम नहीं करता। तो आपको आना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है VPN, ये क्विक VPN, इसको डाउनलोड कर लो। और पहले से कोई VPN वगैरह यूज़ करते हो तो किसी को भी कर सकते हो, इसी को करना जरूरी नहीं है। एंड उसके बाद इसे ओपन करना है। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ परमिशन लेगा, मतलब आपका फ़ोन का कुछ परमिशन कनेक्ट करने के लिए, तो वो सब परमिशन आप देना। और अभी तो मैं पहले से इसे डाउनलोड कर रखा हूँ। और उसके बाद आप चाहो तो इंडिया में भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी कंट्री में जिसमें आपका मन है उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो VPN को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एरो में टैप करना, एक ऐड देखने के लिए बोला जाएगा, फिर उसके बाद एक ऐड आएगा, और जैसे ही ऐड खत्म हो जाता है उसके बाद कट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कट कर लेना उसको। एंड उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करना, ऊपर में कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा, VPN इज कनेक्टेड ऐसा कुछ लिखा रहेगा। एंड उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेना, ठीक है, इसको कट नहीं करना, बैक नहीं करना, ऐसे बैकग्राउंड में होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी किसी किसी फ़ोन में डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आप इसको ऐसे बैकग्राउंड में रख लेना। एंड उसके बाद VPN तो कनेक्टेड हो चुका है, अब आपको वापस से गेम को ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, एंड ऐप इन्फो में जाना है, फोर स्टॉप करना है, क्लियर कैच करना है। अब उसके बाद आपको गेम को ओपन करना है, एंड इसके बाद चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो फिक्स हो जाता है, क्योंकि सर्वर जो है वो चेंज हो जाएगा VPN की वजह से, तो फिर ये प्रॉब्लम फिक्स हो ही जाता है। अब बहुत से बंदे ये बोलते हैं कि यार VPN की वजह से हमारा ID बैन हो जाएगा, तो VPN को यूज़ करने से ID बैन आपका नहीं होता, उसी VPN से आपका ID बैन होगा जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते, मतलब किसी ब्राउजर से करोगे। ऐसा VPN जो प्ले स्टोर में है ही नहीं, वैसे VPN को अगर आप यूज़ करोगे तो ID बैन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता, उसका सर्वर ठीक नहीं होता, इसीलिए उसमें जो आपका ID है वो बैन हो जाएगा। और प्ले स्टोर से मैं करीबन जितने VPN है सबको डाउनलोड कर करके 5-6 साल से कनेक्ट कर रहा हूँ, 5-6 साल तो नहीं, 3-4 साल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तब भी ID अभी तक बैन नहीं हुआ है और ना ही इससे होता है, तो आपको इसमें तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको मैं कुछ और सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो कभी कभी ये फ्री फायर के साइड से भी होता है जिसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि फ्री फायर ही उसको फिक्स करेगा, लेकिन ऐसे होने के बहुत ही कम चांसेस है, करीबन 2 से 2.5 घंटा में ये फिक्स भी हो जाएगा अगर फ्री फायर के साइड से हो रहा है। तो या तो आप 2 से 3 घंटा वेट करके देख लो, अगर उसके बाद भी फिक्स नहीं हो रहा तो फिर गेम को डिलीट करना पड़ता है, फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर फिक्स हो जा रहा है तब तो अच्छी बात है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन वापस आना, इसमें यहाँ पर क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा, अगर 2-3 घंटे के बाद भी फिक्स नहीं हो रहा है तो क्लियर डेटा कर लेना। इससे क्लियर डेटा करने से जो ID है वो आपका लॉग आउट हो जाएगा, गेम के अंदर लॉगिन है वो, और जो कस्टम HUD है वो भी डिलीट हो जाता है अगर ID में अपलोड नहीं की हो तो, और जो एक्सपेंशन पैक जो मैप वैप है वो तो डिलीट हो ही जाता है सब कुछ, मतलब वो डिलीट हो जाता है, तो क्लियर डेटा करने से यही होता है। तो क्लियर डेटा आप पहले मत करो, अगर आपके पास डेटा की कमी है तो थोड़ा सा वेट कर लो, अगर डेटा है तब तो फिर डिलीट करो, फिर से इंस्टॉल करो, ये फिक्स हो जाएगा अगर फ्री फायर के साइड से नहीं हो रहा है तो। तो फ्री फायर के खुलने से संबंधित जितने भी समस्या था उन सभी का समाधान मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो को अच्छे से देखो, जो भी सॉल्यूशन है उसको अपने फ़ोन में अप्लाई करो, बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।